तो अभी हम आ गए जसूर, यहाँ पर पकड़ेंगे एक सूर। सोए सोए बंदे को उठा के बोला तुम्हें पाप लगेगा। ये हम बस में और जा रहे हैं बस में। मम्मा 2 दिन यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। न्यू ईयर ही वैसे मन रही है कुछ। ये देखो ये अपने साथ राघव एंड मितुज एंड सगुन गुड़ियाज। और न्यू ईयर पे हमारा ऐसा चल रहा है अभी इस वक्त। अभी हम पठानकोट के आए हैं, पाव भाजी खाने गए थे और भैया के लिए भी पाव भाजी लेकर आए हैं। और ये देखो ये अपना मुंह छुपाती रहती है। फिलहाल अभी हम बैठे हैं गाड़ी में। तू टट्टी खा ले, तुम्हें शर्म है कुछ? हम कल सैलून में पार्टी करेंगे। हाँ अभी हमारी ईव चल रही है जो हम कर रहे हैं। ये कुछ ईव चल रही है एक्चुअली, न्यू ईयर ईव कल होगी। हाँ वो वही व्लॉग हमारा ऑन द स्पॉट बन रहा है। कुछ मतलब कि हमने डिसाइड नहीं किया। हम पाव भाजी लेने गए थे और सामने से हमें मुलाकात होती है। खीर भी साथ में आ रही है और अभी बस हम घूमने फिरने जा रहे हैं और घूमेंगे अभी रात को। यार साहिल में तेरे छापड़े लगा दूंगी। छापड़े क्या होती हैं ये? कनाडा रहते हो ना आप? थोड़े से बालों वाली लड़की मुझे व्लॉग बनाने नहीं दे रही। पीजी के लिए हम पाव भाजी लाए थे स्पेशली फ्रॉम फौजीदा डोसा। ओ सॉरी नहीं, मितु भी अभी यहाँ पे है। ओ माय गॉड, ये की करते है तुम? तो अभी भैया जी के लिए पहले यहाँ रुक रहे हैं। हम राजा के बाग हैं इस वक्त। इस वक्त एक दीदी के दोस्त का मैसेज आया, उसे नूरपुरा हम वाला पार्टी दे। पड़ते हुए यहाँ पे क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं, अंधेरा है और इस साइड भी अंधेरा है। और ये किसने बनाया पता नहीं दीदी, डर लग रहा है मेरे को। साहिल जब हम घर पहुंचे थे तो अभी हम आ गए हैं जसूर, यहाँ पर पकड़ेंगे एक सूर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दीदी को देंगे यहाँ पर गिफ्ट कनाडा जाने से पहले। कैसा बेवकूफ है ना, पता नहीं कहाँ। मैं पैदा ही बेवकूफ हूँ यार। के भाई तरसती है, दिल ने पुकारा है अब तो चले आओ आओ। शबनम मैम को भी ले आते। मैं फर्स्ट टाइम कॉपीराइट नहीं हटा रहा हूँ, म्यूट नहीं कर रहा हूँ। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। मेरा मेरा इकरार हुआ। हम 10:30 बजे ही, 10:30 हो रहे हैं ना, 11 बजने वाले हैं। हम केक काट रहे हैं अभी क्योंकि हमें आई है नीनी। मेरा 2022 की शान मिस यूनिवर्स। हैप्पी न्यू ईयर गाइस इन एडवांस। 1 घंटा है तो गाइज ईव भी हो चुकी है और आज है 1/1/2022। सो आई वांट टू विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड सब खुश रहो। और मैं सबके लिए यही दुआ करता हूँ कि दिस ईयर ब्रिंग्स मोर एंड मोर हैप्पीनेस एंड सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और सब खुश रहो यार, सब अपनी लाइफ एंजॉय करो और हमारे व्लॉग्स देखते रहो। एंड आई होप कि इस साल के एंडिंग तक हमारा सिल्वर प्ले बटन आ जाए। क्या बोला तूने? बहुत बड़ा सपना है पर यार बड़े सपने देखने चाहिए तभी पूरे होते हैं, ऐसे नहीं होते। सो यार मैं आपको बताऊं कि सुबह क्यों नहीं व्लॉग किया मैंने। अभी मैं आपको पहले टाइम बताता हूं। टाइम हो रहा है रात के, बज रहे हैं 10:30। और मैं ना आपको बोलूं कि मैं बाकियों की तरह पार्टीज वगैरह बड़ी कम करता हूं, मैं करता ही नहीं हूं यार। तो घर पे ही थे, पैकिंग वगैरह कर रहे थे और कल हमें निकलना भी है।
तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग हम इकट्ठा ही कर लेते हैं क्योंकि फिर अलग अलग नहीं आएंगे, एक में आ जाएगा सब कुछ। तो अभी बस यार बैठे हैं, सुबह के काम कर रहे हैं। मेरे लिए तो ये नॉर्मल डे ही है, बट मैं आपको बताता हूँ, पहले आते हैं ये लोग जो पार्टी करते हैं और दूसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जो कि रात को बैठ के स्टार प्लस लगाते हैं और फिर देखते हैं आईफा अवार्ड्स और सलमान खान की, वेट करते हैं बोलने की 10, 9, 8, 7। मैं उनमें आता हूँ। सो यार कुछ नहीं गया, मैं तभी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बाकी अभी चलेंगे अपनी नॉर्मल लाइफ। जैसे हमें पता है हम कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं और बस निकलते हैं कल कॉलेज के लिए। ऐसे कि नया साल है ही तो बहुत कुछ नई चीजें आने वाली है अपने चैनल पे। सो अगर आप चैनल पे नहीं हो, पहले जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को टर्न ऑन कर लो और फिर मिलते हैं आपको सुबह। और अभी मैं चलता हूँ पहले सोने। सो 1, 2, 3 जो भी हो गया सुबह, और अभी हम अपनी आगे फेवरेट खिड़की पे जहाँ पे हम खड़े होकर व्लॉग करते हैं। तो अभी इस वक्त सुबह के 10:30 हो रहे हैं, पैकिंग ऑलमोस्ट रहना शुरू, थोड़े से कपड़े वपड़े आ गए हैं वो रखने बैग में। और सीरियस बोलूँ घर को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, काफ़ी दिन से यहाँ पे था, बट अब हम जा रहे हैं घर अपनी मंजिल पे। और सो 2:30 अपनी बस है, 2 बजे निकलूंगा यहाँ से बस स्टैंड के लिए और उसके बाद 2:30 चलेगी बस। फिर आपको दिखाएंगे क्या क्या होना है, अभी तो जस्ट मैं उठा ही था तो अभी पैकिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ही काम जो है वो कर लेते हैं एंड फिर चलते हैं। अभी हम आए घूमने, मैं कुछ लेने आया था जरूरी, वो मैं दिखा नहीं सकता। ये देखो इस बंदे को हम सोकर, मतलब सोया हुआ था, तो सोया सोए बंदे को उठा के बोला तुम्हें पाप लगेगा ये बोल रहा था ये। बट अभी हम जैसे थोड़ा बहुत घूम रहे हैं और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, वैसे 12 बज रहे हैं, 2 घंटे हैं अपने पास और उसके बाद चलेंगे सीधा अपनी मंजिल पे। ये वाली कॉलोनी में बड़े लोगों के घर हैं यहाँ पे, हमारे पठानकोट के रिचेस्ट, मोस्ट रिचेस्ट, यहाँ पूरे मतलब कि ये अपने कौन सा ही कॉलोनी है, ये फ्रेंड्स कॉलोनी, सॉरी फ्रेंड्स कॉलोनी, यहाँ पे सब रिचेस्ट रहते हैं, बहुत अमीर लोग हैं। घंटी मार के भागे रुको रुक रुक यार, एक मार के आ जाते वो रहन दे भरा, बाद में बोले चोर आ गए यहाँ पे, डंडे भी चल जाते हैं, सारे अमीर लोग रहते हैं यहाँ पे, पता नहीं बोलते, जहाँ भी चलते हैं पैसा जेबों से गिर रहा होता है यहाँ पे, जब मर्जी चल जाओ। गाड़ियाँ चेक करो गाइस, ये होती है मेरी बस कब है, ये देखो यार मेरे बस की टाइमिंग पूछे, भाई क्या बात हुई यार, ये तो ना बेचने वाली गल हुई है ना। बाय ब्रो, व्हाट इज दिस बिहेवियर, फिर मिलता हूँ देखो मैं, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। मैं वापस घर आ गया हूँ और ये पैकिंग शुरू हो गई है हमारी, ये देखो, सॉरी ये नहीं देखो, और अब ये देखो यहाँ ये चीज अभी डालनी है, अभी कुछ मतलब कि 2-3 कपड़े डालने वाले रह गए थे वो डालने हैं, फिर निकलते हैं पठानकोट को। मतलब अभी 1 बज रहा है और बहुत ज्यादा लेट भी हो गया क्योंकि 1 घंटा रह गया ऑलमोस्ट। सो चल जल्दी रेडी होते हैं, जादू तो हमने करना ही करना है। तो 1, 2, 3 सो अभी मैं हो गया रेडी और जल्दी जल्दी अभी पहले खाना खा लेते हैं फिर निकलते हैं खरड़ के लिए क्योंकि हमें सुबह कॉलेज भी पहुंचना है। तो अभी बस 2:30 चल जाएगी, तो रितेश आ रहा है मेरे यहाँ पे और फिर चलेंगे सीधा वहां को। दिस फूड विल बी मिस्ड, ओए इधर देख, मैं देख फिर बैग रख मेरा गाड़ी में, शाबा पैसे पुए नहीं मिलने ऐसे तेरे को। अभी चल रहे हैं, रास्ता बहुत बड़ा है, सफर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो 4 से 5 घंटे लगेंगे और भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं बड़ा जरूरी वाला, आपको दिखा नहीं सकते। होशियारपुर नहीं रुके और यहाँ से हमने अपना पहला व्लॉग शुरू किया था, फर्स्ट डे ऑफ कॉलोनी गोइंग टू चंडीगढ़, ऐसा कुछ था नाम पहला व्लॉग था यहाँ का। और बस अभी देखते हैं कहाँ रुकती है, फिर वहाँ पे जाके कुछ खाएंगे और फिर से सो जाएंगे, मैं तो सो ही रहा हूँ यहाँ से। आप भगवान हो, आपने हमें कुरकुरे खिलाए, कौन भगवान है, दर्शन करवाना उनके, थैंक यू भगवान जी, जय माता दी। क्या क्या ढाबा वही है ना, डीएस ढाबा, लेट्स गो डीएस वैष्णो ढाबा ब्रेक है यहाँ पर। और अभी हम जा रहे हैं तक्षित, देखो स्माइल चेक करो। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर व्लॉग,
आफ्टर मैं तक्षित को ना कुछ लगा हुआ था इस वक्त उसका रिएक्शन देखो स्टॉप आया और तू खुद वीडियो में देख लियो आप वापस आ रहे हो चंडीगढ़। हाँ यार सोच ही रहे हैं पैसे क्यों वेस्ट करने हैं यार बड़ा बड़ा गलत ये दुबई वाली चॉकलेट भी यहाँ होगी क्या ले रहा तू जल्दी क्या ले रहा तू कितनी कूल लग रही है यहाँ खड़े होके हैं क्या लेकर आएगा ने बुला लिया हमें इस वक्त और मेरे को इस वक्त सब ऐसे देख रहे हैं कि जैसे मैं बहुत ही बड़ा यूट्यूबर हूँ ब्लॉगर हूँ मैं बट ऐसा कुछ है नहीं बट सून ब्लैक ये साथ में ये पता नहीं चूर यहाँ पर हमारी दो दिन की क्लासें हो गई हैं पोस्टपोन पोस्टपोन नहीं है ना क्या ऑनलाइन हो गई है मैंने कहा था ना क्या फायदा होने का ब्रो बस घुमाओ बस घुमाओ बस घुमाओ बोलता है आठ सवारियां घर छोड़ जाओ हमारी क्लास हो गई है ऑनलाइन दो दिन की नो क्लासेस ऑन एक है थर्ड एंड फोर्थ जनवरी फॉर फिजिकल सेक्शन क्या करना है फिर अरना बता तू तेरा डिसीजन लाज मुझे की बस है चलो वापस मुझे अपने घर जाना है फिर सुन के भी होश हो गए हैं क्यों चलो मम्मा को कॉल करके बताता हूँ मैं क्या हमारे से सीन हुआ हेलो मम्मा कहाँ पहुँचे दो दिन यूनिवर्सिटी बंद हो गई है अभी तक भी होश पड़े हैं खबर हजम नहीं हुई है इन्हें भी और हमें भी नहीं पहुंच गए हैं हम और अभी बस निकलना थोड़ा औखा है यहाँ से पहुंच गए ये पहुंच गए फाइनली और अभी चलते हैं वापस घर और ये जा रहे हैं सी यू प्लीज इन्हें देखो दो दिन में वापस घर जाने वाले हैं सारे ये व्लॉग फिर से बनेगा वो वापस जाने का बनेगा अब चलो यार लेट्स गो जा रहे हो तुसी ना जाओ हाँ नाइट आउट करना था हमने तो फिलहाल देखो ठंड तो नहीं है इतनी है फिलहाल हम बैठे हैं अपनी शाही सवारी में ऑटो जो कि हमारा ऑल टाइम फेवरेट है फाइनली बैक अपनी कॉलोनी में आफ्टर सो लॉन्ग कसम है यार बड़ा मिस किया था और अब वापस फाइनली वी आर हियर चलते हैं घर पे सामान रखते हैं और फिर करते हैं ब्लॉग को खत्म तो कमरे की हालत थोड़ी सी ख़राब है मैं अभी बाहर गया था जो सामान वगैरह मैं रख गया था और कमरे की हालत थोड़ी सी ख़राब है पर अभी हम इसे साफ़ करेंगे अच्छी तरह क्योंकि यहाँ पे हम नहीं थे तो हालत ख़राब ही होनी थी इस ब्लॉग के लिए इतना काफ़ी था आया होगा आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना बट इस बार हम एम करते हैं 300 लाइक्स का आई होप आप सब कर दोगे और वीडियो में बेस्ट पार्ट जो लगे उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो को ज़्यादा शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को टर्न ऑन कर लो क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको इजीली नोटिफिकेशन आ जाए सो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।